लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। खरना के बाद रविवार को छठ का तीसरा दिन है। आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रती रखने के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के घाटों पर छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की उपासना करेंगे। अर्घ्य को लेकर गाजियाबाद समेत अन्य घाटों पर सरकार की तरफ से खासा इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार के सभी जिलों में सूर्यास्त के सही समय को जारी कर दिया है। छठ का जो पर्व है वो सिर्फ गोरखपुर जनपद का ही नहीं वरन पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, और इस पर्व की जो शुरुआत है वो शुभारंभ है वो 28 तारीख से हो चुका है, और आज 30 तारीख को सायंकाल डूबते हुए सूरज को हमारी जितनी सम्मानित माताएं बहनें हैं वो सब परिवार यहाँ पर आके डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी, और उसके पश्चात कल सुबह जो 6 बजे के करीब उगते हुए सूरज को वो अर्घ्य देने के पश्चात ही उसके बाद वो अपना जो व्रत को उसको तोड़ेंगी और प्रसाद का वितरण करेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले जो नगर निगम प्रशासन है पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रयास कर रहा है। आप भी देख रहे थे कि कितनी बड़ी मात्रा में जब फ्लड का जो पानी था उतरा है तो बहुत बड़ी सिल्ट जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमारी इन सीढ़ियों पर जमा हो गई थी। इन सारी सिल्टों को हटाया गया है, और इसके साथ साथ जो हमारे लोग वेदी बना रहे हैं और लोग पूजा करेंगे उनके वो गहरे पानी में ना जाने पाए इसके लिए पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कराकर उनको रंगीन कपड़ों से भी लगाया गया, उसके ऊपर फ्लैग लगाए गए हैं जिससे कि लोग, और जगह जगह फ्लैक्सी बोर्ड भी लगा हुआ है कि जिससे कि उसमें लिखा है कि नदी में इसके आगे पानी गहरा है और इस बैरिकेडिंग के आगे ना जाएं। इसके साथ हमारे पास यहाँ स्टीमर भी हैं, वो स्टीमर से भी हम लोग देखते चेक करते रहते हैं कि कहीं पर कोई ऐसी पानी में गहरे पानी में कोई ना जाने पावे। इसके अलावा यहाँ पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं, रात्रि में प्रकाश की भरपूर व्यवस्था के लिए जगह जगह आप तिरंगी लाइटें जो हैं वो रंग बिरंगी लाइटें साथ में जो बड़ी वाली हाई मास्ट की लाइट है और LED लाइट्स वो सब लगाई गई हैं। लोगों के बीच में स्वच्छता का संदेश देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर LED TV लगाई है जिसमें स्वच्छता का संदेश चलता रहेगा, साथ साथ बहुत बड़ी मतलब आप कह सकते पूरे एरिया को कवर करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारा लगा हुआ है, और इस बार के पूरे इवेंट को हम लोग जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मना रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि जगह जगह डस्टबिन रखी है, कोई भी नदी में कोई चीज़ ऐसी ना फेंकें जिसकी वजह से नदी का प्रदूषण जो है उसमें कोई वृद्धि हो, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर सिंगल जो प्लास्टिक के यूज पर भी बैन लगा हुआ है उस पर भी हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल जो प्लास्टिक है उसके इस्तेमाल यहाँ पर ना करें ना यहाँ पर लाएं। तो हम सभी लोग कोशिश है ये कि सब लोग मिलकर नगर निगम अपने पूरे जो शहर के हमारे बासिंदे हैं शहर के सम्मानित नागरिक हैं उनके साथ इस धार्मिक पर्व को पूरी उल्लास और जोश के साथ मनाने में लगा हुआ है, और इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम किसी को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। नदियों पर कितने घाट बनाए गए और कितने देखिए हमारे पास इस वक्त जो 125 से ऊपर जो है पूरे हमारे जो 80 वार्ड हैं वहाँ पर हमारे कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, कई जगहों पे हमारे पक्के घाट भी बने हुए हैं। मुख्य रूप से इस वक्त आप देख रहे हो 3 घाट यहाँ पे जो हैं राप्ती नदी के किनारे हैं पूरी तरह से। कुछ हमारे घाट हम लोगों ने इस बार ख़त्म करने पड़ गए चूँकि वहाँ फ्लड का पानी अभी भी था, जैसे कि हनुमानगढ़ी या तकिया घाट पर हम लोगों ने उसके लिए अन्य जगहों पर जैसे लाल डिग्गी पार्क में या अन्य जगहों पर हम लोगों ने उसकी व्यवस्था कर दिया है कि वहाँ के लोग वहाँ पर आकर छठ पूजन कर सकें। इसके साथ साथ करीब करीब देखने में आ रहा कि हर वार्ड में एक छठ घाट बना हुआ है, कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जो बड़े हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे 2 से 3 भी छठ पर्व के घाट बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी व्यवस्थाएं हर जगह मुकम्मल हो चुकी हैं, हमारे सभी जोनल अफसर हमारे सारे इंजीनियर जो साहबान हैं जो हमारे सैनिटरी से जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग मैदान पर पूरे अपने विजिट कर रहे हैं लगातार निरीक्षण रखे हुए हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि सारी तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल हो चुकी हैं पूर्ण हो चुकी हैं। क्योंकि छठ पूजा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो क्या ड्रोन से भी ऐसे लोगों को निगरानी? हाँ नहीं, ड्रोन से भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारे NDRF की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो सब लोग रहेंगे। हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व पर्व की, इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में छठ पर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? छठ पर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है, लेकिन जो जिला अधिकारी है
और जो निगम की टीम है पुलिस प्रशासन की काफी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे पुलिस जगह जगह पे लगी हुई है। यहाँ पे जो छठ को आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पे कई हमारे जो आयोजन समिति के लोग हैं हमारे संघ, पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो यह साल भर में त्योहार आता है, जो महिलाएं तीन चार दिन का भी जल रख के व्रत रखती है। तो आप सीधा मैं उनके पास लेकर चलता हूँ। क्या नाम है आपका? छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम सोमक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ छठ से और हमारे प्रेसिडेंट साहब है बीएन सिंह जी। छठ पूजा की सभी सदस्य ने सालों से छठ पूजा के बारे में मैडम छठ पूजा का त्योहार क्यों मनाया था, इसकी क्या महत्व है? छठ पूजा एक महापर्व है, ये चार दिनों का त्योहार है। ये चार दिनों का त्योहार है। पहला दिन जो है तो नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना का होता है, तीसरा है पूरे उपासना का, जहाँ हम हर छोटे दिन सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथा दिन होता है उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं के लिए हम भी आशीर्वाद देते हैं। तो कितने सालों से किसी भी जगह जो बनना है, जो भी नदी है वो देखना मिल सकते हैं, तो पानी में उतरते हैं और किसी का पानी को अर्घ देते हैं। एकावन का यह पर्व है जहाँ मुख्य तौर पर यह महापर्व मनाया जाता है। यही एक ऐसा काल है जहाँ हम उत्तर में सूर्य को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो देख रहे हो किस तरह की, जैसे कि यह बिहार का पर्व है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसको अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए यह लोग मना रहे हैं। इस वक्त हमारे संग इनके और भी क्या कहना चाहोगे सर? कहीं ना कहीं देखा जाए कि कोरोना काल के बाद ये छठ महापर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए प्रवीण।